1956 ईस्वी से पहले जब तराकुरम के पहाड़ों से उठा हुआ तूफान ईरान की सरजमीन तक नहीं पहुंचा था, हलाकू खां के कदमों से लिपटी हुई तबाही और बर्बादी ने इन खूबसूरत वादियों को नहीं रौंदा था। सूबा आज़रबैजान के कस्बे गुलशन आबाद के मैदान हुस्न इश्क की रंगीनियों से बाग बहार बने हुए थे। कसरे शीरी में हजारों बरस के बाद भी मोहब्बत का चिराग रोशन हो रहा था। दुश्मनों को जहर देते। मोहब्बत का जहर तो पहले ही अपना काम कर चुका है।
अब उनका जहर क्या असर करे। परवेज, इस महल को बने कितने दिन हुए होंगे? जितने दिन शीरी को, वो बहार के दिन इसी महल में गुजारा करती थी। यहीं पहले पहल शीरी और फरहाद का सामना हुआ। इसी महल में फरहाद ने दिल पर इश्क का तीर खाया और इसी महल की छत से गिरकर शीरी ने वफादारी का हक अदा किया। परवेज, यहां ना आया तो मुझे वहम आता है। क्यों? मोहब्बत की यादगार के साए में तो मोहब्बत परवान चढ़ती है। यहां मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी, कुर्बान हुई है। वो तो इसलिए कि शीरी को पहले फरहाद से मोहब्बत नहीं थी। जब फरहाद ने जान दे दी तब शीरी के दिल पर असर हुआ। और मेरी शीरी तो मुझसे ऐसी मोहब्बत करती है, ऐसी मोहब्बत करती है। हाँ, कैसी मोहब्बत करती है? जैसी नीलूफर परवेज। अच्छा, तो आप भी कुछ समझते हैं अपने को? मेरी बला मोहब्बत करे किसी से? ये बात है, आंखों में आंखें डालकर कहो तो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। हाँ, नहीं है। नहीं? नहीं। ओहो, मुफ्त की खा खा के बना तो खूब है। शर्म नहीं आती जवान लड़कियों के साथ कबड्डी खेलते? जवान संभाल के बात करो। अच्छा, हकीम नादिर की लड़की, बाप घर नहीं, बेटी को डर नहीं, जंगली हिरनी की तेरे चौकलियां भरती फिरती है। आने दे, अपने बाप को बताऊंगा तुझे। जब क्या बताओगे चाचा, अभी बताओ। तुम्हारी नाक दोनों कानों के बराबर कर दूंगा, समझे? एक थप्पड़ दूंगा कि दांत पेट में उतर जाएंगे। अच्छा, तो अब तुम यहाँ से कुछ लेके ही जाओगे? देख, कह दिया, मार बैठूंगा तो दम निकल जाएगा। मार बैठोगे मुझे? मार बैठोगे? आइए हकीम साहब। या अल्लाह, कब तशरीफ लाए? अभी आ रहा हूँ, सोचा कावा पीकर घर जाऊँ। आप सफर से आ रहे हैं, आपने भी कुछ सुना है? किस बात के बारे में मुल्ला साहब? सुना है हलाकू खां बड़े लश्कर के साथ इधर बढ़ता चला आ रहा है। ये हलाकू खां कौन से जानवर का नाम है जी? खूब, आप हलाकू खान को नहीं जानते? ये मौत के फरिश्ते का दूसरा नाम, चंगेज खान का पोता। वही चंगेज खान जिसने दुनिया को हिला दिया, समरकंद के शहर को खड़े खड़े फूंक दिया। हाँ हाँ, सुना है सब, समरकंद को फूंक दिया होगा। ये रुस्तम का मुल्क है, यहाँ हलाकू क्या उसके दादा चंगेज खान के भी दांत खट्टे हो जाएंगे। हाँ, लड़की क्या है, जैसे बदलगाम घोड़ी। क्या बात है शरीफ मियां, किस घोड़ी ने दुलत्ती झाड़ दी? अरे वही हकीम नादिर की लौंडिया, खाब उड़ाती पानी उछालती फिरती है उसी आवारा घर परवेज के साथ। आप आ गए, कहिए, मिजाज तो अच्छा है। तुम अभी क्या बक रहे थे? जी मैं तो उनसे बातें कर रहा था। झूठ बोलती हो, तुम मेरी लड़की के बारे में क्या कह रहे थे? जो बात है वो कह रहा था। फिर तो कहो, मुंह न तोड़ दूं तो नादिर नाम नहीं। बड़े गैरतदार, बेटी बस में नहीं और दूसरों का मुंह तोड़ते फिरते हैं। नहीं मानते तो खुद जाकर देख लो। इस परवेज की बच्चे की मौत आई है मेरे हाथों। हकीम कौन से रास्ते से आ रहा है? अरे कोई जंगल का भूत प्रेत तो सवार नहीं हो गया इस पर? अरे वो खुद भूत बना हुआ है, तुम्हारे मालिक को मार डालने की कसम खा के गया है। अब मुझे जाने दो परवेज। थोड़ी देर और ठहर जाओ, जब तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मैं खुद भी अपने आप से दूर हो जाता हूँ। कल फिर मिलेंगे। इसी उम्मीद पे तो जीता। लीलो, मैं हलाबू आ गई, तुम्हें मेरी जान की कसम परवेज, तुम अब चले जाओ। अच्छा, कल जरा चलती है। मैं तो आ ही रही थी निहाला बुआ। दीवानी, कौन है निहाला बुआ? अरे तू, अजूबा जी, बहने की महबूबा, तुम सब शैतान की खालाएं हो जी, जी तुम आपकी बहने हैं। जरा ये तो बताओ, कसरे शीरी में बैठ बैठ के क्या बातें हुआ करती है? बताओ। मैंने तुझे मना नहीं किया था कि बाहर न जाकर। मियां जाती कहाँ है, जरा अपनी सहेलियों से मिलने चली जाती है, वो भी बुर्का पहन के और नकाब डालकर जाती है। कहाँ है बुर्का, कहाँ है नकाब? मैं तुम्हें इसीलिए छोड़ गया था कि तुम कड़ी सोया करो और ये गलियों की खाक छान दी फिरे।
बोल, कहाँ गई थी? निहाला बुआ ने बताया तो जरा परवीन के यहाँ चली गई थी। परवीन के यहाँ या परवेश के साथ? ये कपड़े कैसे भीग गए? ये चश्मा में गिर पड़ी थी। तो शरीफ सच कहता था, खूब उछाला बाप दादा का नाम तुमने, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई कम्बा? बेमां की बच्ची है मियाँ, ऐसे ना मारिए। बेमां की ना होती तो इस तरह मेरी इज्जत न डबोती फिरती। बोल क्यों गई थी परवेश के साथ? वो क्यों जाती? वही मुर्दा परवेश मैं दादा ले गया होगा। अच्छी बात है, आज मैं परवेश का खात्मा ही किए देता हूँ। पापा जान, मुझे मार डालिए, परवेश ने कुछ न कहिए, मैं कसम खाती अब कभी नहीं जाऊंगी बाबा जान, परवेश से बात भी नहीं करूंगी। अजी वो घर में नहीं है। कौन घर पे नहीं है? आगा परवेज, मैं सच कहता हूँ वो नहीं है। अबे मैं आगा परवेज बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। हम ऐसी तरकीबें खूब जानते हैं, जाओ दरवाजा नहीं खुलेगा। अबे दरवाजा खोलता है या नहीं? नहीं नहीं नहीं। क्या तमाशा है? नहीं, आप तो सचमुच आगा परवेज निकले। और तुम क्या समझे थे? मैं समझा था हकीम नादिर। हकीम नादिर? वो कब आए? आ गए आगा, और बड़ी जोर शोर से आ गए। जी हाँ, मेरे वो हराटे का हाथ रसीद किया, मैं तीन कलाबाजियां खा गया। मैं क्या बकता है? जी बकता बकता नहीं, वो आपके लिए इतनी लंबी तलवार लेकर फिर रहे हैं, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो ये आशिकी का धंधा छोड़ दीजिए। मियां दिलावर, मोहब्बत करने वाले पहले ही मौत से दोस्ती कर लेते हैं। मैं कल फिर अपनी नीलों से मिलने जाऊंगा। हकीम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। निहाला, कबीर अतार की दुकान से दो मिसाल जाफरान ले आओ। अच्छा मियां, जाते हैं। नीलो, आगा मैं नीलो नहीं, आपका खादिम दिलावर हूँ। आपकी यहाँ क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी आगा, अगर मालिक की जान खतरे में हो तो नौकर का फर्ज है कि अपनी हथेली जान पर रखकर, नहीं मेरा मतलब है अपनी जान हथेली पर रखकर मालिक की जान बचाए। और नौकर के मालिक का हुक्म माने? मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप यहाँ से फुचक कर बताइए। अजी मैं खुद इस खतरे की जगह ठहरना नहीं चाहता, मगर आपको साथ लिए बगैर जा भी नहीं सकता आगा। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक नीलो पर यहाँ ना जाए। वो आ चुकी, अजी सयाद आ गया और बुलबुल पिंजरे में कैद कर ली गई। तो फिर मेरी कब्र भी यहाँ बनेगी। ओहो, मैं देखता हूँ आगा कि आपकी इस जरा सी जिद के लिए मुझे अपनी कीमती जान गंवानी पड़ेगी। ये तुम कहाँ खोई हुई हो, जरा जल्दी करो। हकीम साहब, चलकर जरा एक मरीज को देख लीजिए। मैं इस वक्त नहीं जा सकता। हकीम साहब, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, उसे दर्द जिगर की शिकायत है, आंखें जैसे किसी की राह देखते देखते पथरा गई हैं। हकीम साहब, आप नहीं जाएंगे तो एक जान जाएगी। कहा तो लड़की अकेली, मैं नहीं जा सकता। हकीम साहब, आपकी साहबजादी कुछ बच्चा तो है नहीं, वो थोड़ी देर अकेली भी रह सकती है। खुदा के लिए चलिए हकीम साहब, आप जो कहेंगे वही नजराना दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल है, ठहरो चलता हूँ। चलो नीलो, खबरदार मेरे आने तक कहीं जाना नहीं। जी चलो। हकीम साहब, क्या है? मैं अपने भाई के लिए अनार लाई थी, वो तो अंदर ही रह गया, मैं लेकर आती हूँ। है दिलावर, तुम इस भेस में? आप ही के लिए जाइए, परवेज आपके इंतजार में कसरे शीरी के पत्थरों से सट कर रहे हैं। कैसे जा सकती हूँ, बाबा जान बड़ी सख्त निगरानी रखते हैं। इसीलिए तो आपके बाबा जान को टहलाए लिए जा रहा हूँ, रास्ता साफ है। नहीं, अगर मैं गई
तो बाबा जान परवेज के दुश्मनों को मार डालेंगे। अरे कहाँ मर गई हो? आते हो हकीम साहब। के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आ जाके इंतजार में जाने को है बहार भी। अरमालिए बैठे हैं हम, सीने में है तेरा ही गम। तेरे दिल से प्यार की वो तड़प किधर गई? आ जाके इंतजार में जाने को है बहार भी। तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आ जाके इंतजार जाने को है बहार भी। जाके इंतजार में जाने को है बहार भी। आओ नीलू, मोहब्बत किसी यादगार के साए में कसम खाएं कि हमारा चिराग मोहब्बत कसरे शीरक मगाता रहे, हम साथ जी और साथ मरे। मेरे दिल से तो हर दम यही दुआ निकलती है, लेकिन बाबा जान को क्या करूं? इस वक्त भी अपनी जान पर खेलकर और तुम्हें खतरे में डालकर यहाँ आई। मोहब्बत निडर होती है नीलू, तुम्हारे बाबा जान को भी एक दिन मोहब्बत के फैसले के सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। तुमने आज तक शादी का पैगाम भी तो नहीं भेजा। तुम्हारे बाबा जान मानते ही क्यों? तुम कोशिश तो करो, कौन जाने सच्ची मोहब्बत अपना असर दिखाए और वो मान जाए। अगर मेरे दिल की मलिका का यही हुक्म है तो फिर कल ही सही। कहां डूब मरी कमबख्त, शैतान परवेज की मालूम होती है। मेरी बच्ची, तू घर में है बेटी? जीती रहो। अबे तुम्हारे यहां पहले भी किसी की शादी हुई है? चाचा की, ताए की, बाप की? जा, आए बड़े शादी कराने वाले। कहो मियां दिलावर, आज सवेरे ही सवेरे किधर निकल आए? आप तो जानते हैं कि प्यासा कुएं के पास क्यों आता है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन किसी खास जगह ख्याल है या आम इजाजत है? जी नहीं, नादिर साहब की। बहुत खूब, मगर उस्ताद मामला जरा टेढ़ा है। हकीम साहब हमारे मालिक का नाम सुनते ही आदमी से चिंगारी और चिंगारी से अंगारा बन जाते हैं। अजी, अंगारे से पानी बनाना तो मेरा काम है, लेकिन इसकी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। मुंह मांगी मुराद मिलेगी। काम जरा मुश्किल है,
कम से कम 100 दिनार होंगे। 100 दिनार? जी हाँ। मंजूर है। तो फिर हम आज शाम तक कुछ उम्मीद रखें? अब मैं कोशिश करूंगा। तो हम जाएं? जी हाँ। अच्छी बात। बेटा जमशेद। आओ आओ खाला आओ। क्या तुम्हारे लिए भी इस उम्र में कोई ढूंढना पड़ेगा? हट मुर्दे, तुम्हें हकीम साहब ने बुलाया है। मेरी बड़ी खुशनसीबी है, जरूर हाजिर होऊंगा। जरा जल्दी आना, तुम जानो लड़की का मामला है, जल्दी हो जाए तो अच्छा है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। बैठो खाना, तैवा तो पीती जाओ। रहने दो, घर का सारा काम पड़ा है। अरे वारी मेरी किस्मत, चुपड़ी और दो दो, तू अपनी है तो दुनिया अपनी है। तो सब काने अंधे लंगड़े लूले ही रह गए हैं, कोई अच्छा लड़का नहीं है तुम्हारी नजर में? माल सब छट गया हकीम साहब। अजी आजकल अच्छे लड़के कहीं रह सकते हैं? फिर क्या किया जाए? खूब याद आया, एक लड़का और है हर तरह से आपकी साहबजादी के लायक। कहाँ है? यही इसी कस्बे में। कौन है वो? आप तो जानते होंगे, आफरीन मरहूम का लड़का परवेज। खबरदार उस मर्दूत का नाम न लेना, मुझे लड़की का मार डालना गवारा है, लेकिन उसके साथ शादी करना पसंद नहीं। तो फिर कुछ दिन आप इंतजार कीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी पसंद का कोई लड़का पैदा होकर जवान हो, इतना इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सच कहता हूँ हकीम साहब, आपकी साहबजादी की निस्बत तय होना इतना आसान नहीं जितना कि आप समझ रहे हैं। परवेज की मोहब्बत मशहूर हो चुकी है, कोई शादी करके मुसीबत मोल नहीं लेगा। बस यही एक सूरत है कि परवेज के साथ शादी कर दी जाए। ये नामुमकिन है। तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। जाओ। ये लीजिए अपना हुक्का। दिलावर जी, जमशेद अभी तक नहीं आया। अभी अभी आता ही होगा, लीजिए वो आ गया। परवेज। क्या तुम रोज कसर श्री की तरफ जाते हो? जाता हूँ। जी हाँ जाते हैं। क्यों जाते हो? ये मैं नहीं बता सकता। हरगिज़ नहीं बता सकते। क्या तुम नीलूफर का पीछा करते हो? ऐसी बातें न पूछे जिसका मैं जवाब न दे सकूं। ये बदमाशी नहीं है कि तुम मेरी बेटी को बहकाते हो? मैं नीलूफर हब्बत करता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। तो पैगाम लेकर क्यों नहीं आए? इसलिए कि आप इनकार कर देते। आगे नीचे कर बदतमीज। मैं तेरे साथ अपनी बेटी की शादी करने वाला हूँ। जल्दी से आगे नीचे कर लो ना। शादी करना है तो कल ही शहर जाकर सामान करो, कीमती जेवर भारी कपड़े खरीदो। मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता हूं। कर ले और हम उसके इंतजार में बूढ़े हो जाए। तो किसी और को भेज दो ना। दूसरा कौन है जो मेरी नीलो के पसंद के तोहफे चुन सके? बताओ तुम्हारे लिए क्या? ये मैं बताऊं? अभी से इतनी दूर हो गए मुझसे? नहीं, मेरा जी चाहता है कि तुम कोई फरमाइश करो। मेरे लिए तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं परवेज, बस यही फरमाइश है कि सफर में ज्यादा दिन ना लगाना। बहुत जल्द वापस आऊंगा मेरी शीरी, लेकिन इतना ख्याल रखना कि हमारा चिराग मोहब्बत रोशन रहे। जरूर, रोज चिराग जलाकर बैठूंगी और तुम्हारी राह देखूंगी। अच्छा अब दिन चढ़ रहा है, मुझे खुशी से जाने की इजाजत दे दो। खुदा परवेज, जहां तक सामना रहे मेरी तरफ पलक पलक के देखते जाओ। बहुत अच्छा। आगा कमाल की दुकान कौन सी? यही है जनाब। तुम क्या आगा के आदमी? जी हाँ। तो जरा हमारे कपड़े का ख्याल रख। बहुत खूब, चल बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए क्या हो? मुझे कुछ सामान खरीदना था, जनाने भारी जोड़े, जेवरात और इत्र आईना, इस किस्म की तमाम चीजें। ये लीजिए, ये फेरिस्त है। शादी का इंतजाम मालूम होता है, मुबारक हो। जी हाँ, बड़ी नाउमीदियों के बाद उम्मीद की झलक नजर आई है। बहुत हो, खुदा आपकी उम्मीद जल्द पूरी करे। आमीन। फिरोज, ये सामान जल्दी से निकालो।
आइए, जब तक ये सामान निकाला जाए हम और आप चलकर तहवा पिए। बहुत अच्छा, चलिए। ले गए हकीम साहब, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। हकीम साहब, हकीम साहब, Thank you.
छूट गया हम तो रोए खून के आंसू ऐश करे सैयार बोल मेरे मालिक तेरा क्या यही है इंसान आती है खाकान कसम ये लड़की नहीं कोई काफ की परी है और ये परी मेरी है सबसे पहले इसके घर में मैं घुसा था इसके बाप को मैंने मारा है ये मेरी है इसका फैसला तलवार से होगा तो आ जाओ काकान के सिपाही आपस में एक लड़की के लिए नहीं झगड़ सकते आप हमारे सरदार हैं आप ही फैसला कर दीजिए काकान आजम चंगेज खान का यह कानून है कि जिस चीज के लिए झगड़ा हो उस चीज को बर्बाद कर दिया जाए इस लड़की को कत्ल कर दिया जाए सरदार वो तो परी है परी उस पे किसका हाथ उठ सकता है तो इसे बेच डाला जाए और इसकी कीमत तुम दोनों बांट लो आगा परवेश दिलावर तुम यहाँ कैसे आगा मैं तो किसी तरकीब से निकल भागा लेकिन निलोफर क्या हुआ निलोफर वो उन्हें बेचने ले गए हैं कहाँ शहर की तरफ तुम मेरे साथ चलो देखिए ये लड़की वो काफ की परी मस्त शबाब हुस्न में लाजवाब लिखने पढ़ने में ताक नाच गाने में शोरा फाक आज तक बाजार में ऐसी कनीज नहीं आई इस नगीने को परखने वाली निगाह का इंतजार है कौन नजरबाज इसका खरीदार है 100 दिनार बस 100 दिनार भागा 100 दिनार तो सीना के पांव के एक नाखून पे धटके 500 दिनार 500 दिनार 600 दिनार 1000 दिनार 1000 1000 तो इस परी के एक जलवे का नजराना है आगा 5000 दिनार हाँ ये है कदरदान की बोली 5001 5002 बस आप बोली खत्म करो कोई आगे नहीं बढ़ सकता 5003 ले जाइए आगा बड़े खुश नसीब हैं आप सुनताई नौयान जिंदाबाद खान आजम का हुक्म लिए बगैर ये कनीज क्यों बेची गई आगा का इकबाल बुलंद बंदा ने सिर्फ यही एक कनीज फरोख्त की है ये खरीदी हुई थी पूरी कीमत भी नहीं आई सब कनीजें खान आजम के मुलाहजे के लिए जाएंगी ये बिक चुकी है इस पर किसी का हक नहीं तू कौन है जो हमसे इस तरह बात कर रहा है भगलो परवेश परवेश मुझे बताओ परवेश नीलो 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 परवेश
کے بھائی حیبت الملک جلال قدرت صاحب کران دورہ خان اعظم ہلاکو خان فاتح نزول جلال فرماتے ہیں باد عباس باد عباس ہوشدار باد عباس دولت و حکومت پائند آباد یہ خرم شاہ سلجوقی ہے جو کبھی یہاں کا بادشاہ تھا اب خان اعظم کا غلام ہے بادشاہ کبھی کسی کا غلام نہیں ہوتے قیدی کو بولنے کی اجازت نہیں علی جا یہ کیا ہے یہ اس دولت کا نمونہ ہے جو محل کے تہخانوں میں بھری پڑی ہے یہ نایاب جواہرات یہ سونے چاندی کی اینٹیں غریب لو کھاؤ نا ہمارا حکم ہے کھاؤ سب یہ پتھر اور دھات کے ٹکڑے انسان کی خوراک نہیں ہیں تو پھر کیا ہے تم نے کیا سمجھ کر انہیں جمع کیا اگر یہی دولت فوج کی درستی اور ملک کی ترقی میں خرچ کی ہوتی تو آج نہ ہم اس تخت پر بیٹھے ہوتے نہ تم ہمارے سامنے بندے کھڑے ہوتے تمہاری حکومت ختم ہو چکی ہے تمہاری زندگی بھی ختم ہونا چاہیے اپنے بادشاہ کے بدلے ہم سب کی گردنیں حاضر ہیں اور تمہارے بدلے سنتا ہی لے جاؤ انہیں قتل کر دیا جائے علی جا یہ بڈھا خادم التجا کرتا کہ نئی رعایا پر رحم کیا جائے ایرانیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے عطا مالک تم ہم سے وہ چیز مانگ رہے ہو جو ہمارے پاس نہیں ہم برتی چینوں کی اولاد ہماری رگوں میں ایک خونخوار بھیڑیے کا خون دوڑ رہا ہے کسی انسان کی رگوں میں بھیڑیے کا خون نہیں دوڑ سکتا خدا نے حضور کو انسان بنایا لیکن اس نے ہمیں غصے کی حالت میں پیدا کیا ہے ہم خدا کا قہر بن کر دنیا میں آئے بادشاہ خدا کا قہر نہیں خدا کی رحمت ہوتا ہے ملک اور رعایا کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے ہم دنیا کو فتح کرنے کے لیے پیدا ہوئے دنیا کی حفاظت ہمارا کام نہیں جو بادشاہ حفاظت نہیں کر سکتا وہ حکومت بھی نہیں کر سکتا حد سے نہ بڑھو ہم تمہارے علم کی قدر کرتے ہیں لیکن اپنے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے سکتے لے جاؤ انہیں دوسرے قیدی پیش کیے جائیں علی جا یہ کنیزیں جو اس فتح میں حاصل ہوئی ہیں شاہی نگاہ کی امیدوار ہیں ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں یہ کنیزیں ہماری طرف سے 11 خان حکمرانوں کو تحفے کے طور پر بھیج دی جائیں ہمارے قتل کا حکم دیا جائے ہم مال و اسباب نہیں ہے کہ تحفہ بنا کر بھیجے جائیں کون ہے یہ لڑکی ایران کے چمن کا سب سے زیادہ حسین اور شاداب پھول نام بھی اس کا نیلوفر ہے ہمارے سامنے آؤ کہاں رہتی ہو واقعی کنیز ہو یا کنیز بنا کر لائی گئی ہو قتل کے لیے یہ سب باتیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بہت خوبصورت بہت نڈر عطا مالک تم نے کہا تھا کہ ایرانیوں سے محبت کی جائے ہم تمہارا کہنا مانتے اور ایران کی اس بہادر بیٹی کے ساتھ محبت شروع کرتے ہیں اسے محل میں پہنچا دیا جائے میں قبر میں جانا چاہتی ہوں آناش انیس کو بولنے کا اختیار نہیں کہہ جائے حلاکو کے بھیڑیے میری آنکھوں کے سامنے میرے نیلو کو لے گئے اور میں کچھ نہ کر سکا مجھے زندہ کر میری زندگی کا سہارا مجھ سے چھین لیا گیا مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی یہ سزا نہیں ہے آغا یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے میں اپنے نیلو پر سے اپنی جان قربان کر دوں گا میں ہلاکو کو مار ڈالوں گا یا خود مر جاؤں گا کام وہ کرنا چاہیے جس کا نتیجہ نکلے اس وقت سارے ملک میں ہلاکو کے خلاف نفرت کی لہر دوڑ رہی ہے اگر ہم اس بٹی ہوئی نفرت کو ایک جگہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارا وطن بھی اپنی مراد پائے گا اور آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا لیکن سوال یہ کہ ہم ایک جگہ جمع کیسے ہو سکتے ایک خفیہ انجمن بنا کر بس کچھ بھروسے کے آدمی اور ایک جگہ ایسی چاہیے جہاں بیٹھ کر ہم آزادی سے اپنا کام کر سکیں ایسے آدمی بھی ہیں اور جگہ بھی خیال میں ہے کنی زیادہ بجا لاتی ہے کون ہو تم
मेरा नाम नौबहार है, खाने आजम ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है। तुम ईरानी हो? जी। यहाँ क्या करती हो? किस्मत का लिखा पूरा करती हूँ, खान के महल में कनीज हूँ। आप तो बड़ी खुशनसीब हैं, आते ही खान के दिल पर कब्जा कर लिया। नौबहार, ईरानी लड़की होकर ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इसमें शर्म की क्या बात है खातून, आप मलका बन जाएंगी, मैं आपकी खिदमत में रहूंगी, मेरी जिंदगी भी आराम से कट जाएगी। इस हालत में भी तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत है? आप ही बताइए, कमजोर और बेबस लड़कियां कर ही क्या सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती, जान तो दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए हिम्मत और गैरत की जरूरत है। खातून को खाने आजम ने याद फरमाया है। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम चलो, मैं खातून को लेकर हाजिर होती हूँ। आप खान के गुस्से को नहीं जानती, चली जाइए, नहीं तो न जाने क्या आफत आ जाए। क्या आफत आएगी? मैं तो खुदा से चाहती हूँ कि मार डाली जाऊं। अपना चाहा तो होता नहीं, जिद में बात और बिगड़ जाती है। अच्छी बात है, जो कुछ होना है जल्दी हो जाए। नीलोफर को तुम हमारे लिए लाए थे? खाने आदम के इकबाल से। ईरान ने हमें दुनिया भर से ज्यादा कीमती तोहफे दिए। खुरासान में अता मलिक सालम का खजाना पाया और अज़रबैजान में ये हुस्न का खजाना हाथ आया। आओ नीलोफर, कहो तुम्हें हमारे महल में किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं हुई? बाप का कातिल बेटे की खैरियत पूछता है। हमने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया, फौज ने जो कुछ किया उसका इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आ सकता। ये मुल्क भी फौज का जीता हुआ है, आपको इस मुल्क पर हुकूमत करने का भी हक नहीं। मुल्क हमेशा बादशाह का होता है। तो फिर जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार भी बादशाह है। हम तुम्हारी बर्बाद जिंदगी को आबाद कर देंगे, तुम अपनी अदाओं से हमारी मेहरबानी खरीद सकती हो। ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सुना है तुम नाचना खूब जानती हो, हम ईरानी रक्स देखना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं वो नहीं हो सकता। अल्लाह को का चाहा हमेशा होता है। लेकिन आज नहीं होगा। नहीं, अनीचा, मुझे इतने आदमियों के सामने नाचते हुए शर्म आती है। हमें तुम्हारी बेबाकी पसंद थी, ज्यादा उससे भी ज्यादा पसंद आई।
बेटा। क्या हुआ? पान बाबा ने हमें प्यार नहीं किया, अब हम उनसे नहीं बोलेंगे। नहीं मेरे लाल, खान बाबा से नाराज नहीं होते, वो तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें अपने जान पर बिठाकर खाना खिलाएंगे। खान आजम के सर पर आसमानी बाप का साया, दस्तरखान बिछ गया। हम आज खाना नहीं खाएंगे। अब आगा ने भी अभी तक कहा, पहले पहल बाप की मोहब्बत ने उसकी तरफ से नजर फेरी है। दुनिया बदल रही है, तो कस चंगेज का पोता परेशान हो सकता है, हलाकू का बेटा रो सकता है, और न जाने क्या क्या हो सकता है। आसमानी बाप खाने आजम की मदद करे। हमें तुम्हारे आसमानी बाप की नहीं, अपनी हिम्मत की मदद चाहिए, जो आज हमारा साथ छोड़ती नजर आ रही है। क्या ये लौंडी पूछ सकती है कि खाने आजम को किस फिक्र ने इतना परेशान किया है? नहीं, हम तन्हाई चाहते हैं। माँ, अपने पाक बेटे के सदके में मेरे शौहर के सर पर अपना साया कायम रखना, उन्हें फिक्र और परेशानी बचाए रखना। गजब किया आपने, खान पर हमला कर दिया, जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाली। तुम बार बार मुझे मौत से डराती हो और मैं मौत को बुलाना चाहती हूँ, ये क्यों? आप क्यों जिंदगी से इतनी बेजार हैं? लॉन्डी पर भरोसा कीजिए, अपने दिल का हाल बताइए, शायद ये कनीज कुछ काम आ सके। नौबहार, मेरे बाप मेरे सामने तब कर दिए गए, मेरी जान और दिल का मालिक मेरी आंखों के सामने कोड़ों से जख्मी कर दिया गया, मैं हमेशा के लिए उससे जुदा कर दूंगी। अब तुम्हें बताओ मेरे लिए जिंदगी में क्या रह गया, किसके लिए जी बाबा? आप मुझे अपने महबूब का पता बताइए, मैं सर से कफन बांधकर उन्हें ढूंढूंगी, उनको आपके हाल की खबर करूंगी। उनका नाम परवेज है, वो कहाँ है और कैसे हैं ये तो मैं नहीं जानती, इतना जानती कि बड़े बाजार के चौराहे पर कालीनों की दुकान के सामने कोड़े खाते खाते बेहोश हो गए। नौबहार, जितने कोड़े उनकी पीठ पर पड़े हैं वो सब मेरे दिल पर पड़े हैं, फिर भी मैं बदनसीब जिंदा हूं। खुदा आपको जिंदगी की बहारें देखना नसीब करे, मैं कसम खाती हूं कि उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगी। हुकूमत, दौलत, इज्जत, हम सब कुछ गवा चुके हैं, अगर हम अब भी न चौके तो खाक में भी हमारा निशान नहीं मिलेगा। हमें पूरी ताकत से गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, एक जबान होकर कहो आजादी या मौत। आगा परवेज, एक होनहार नौजवान हमारे गिरोह में शरीक होने आया है। बड़ी खुशी से, लेकिन इम्तिहान देना होगा और कसम खाना पड़ेगी। जरूर। वतन के नए खादिम, कसम खाने के लिए तैयार हो जाओ। मशल की लौ से अपनी कलाई पर मोहब्बत वतन की मोहर लगाओ और आजादी या मौत की कसम खाओ। ये क्या, मेरे साथ आओ। सच बताओ तुम कौन? जी लेकिन गैरों की नहीं। तुम औरत हो? साफ बताओ ये क्या राज है? जिस सब खुदा की शान है, ये खातून नीलोफर के पास से आपके लिए पयाम लाई। नीलोफर का पयाम? वो कहाँ है, कैसी है, हलाकू ने उनके साथ क्या सलूक किया है? इतनी बातों का जवाब एक साथ नहीं दे सकती, एक एक बात का जवाब सुनिए। फरमाइए। वो अच्छी तरह है, शाही महल में है और हर वक्त आपको याद करती है, ये लीजिए उनकी निशानी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मेहरबान खातून का नाम क्या है और कहाँ रहती है? इनका नाम हमारी जान है और हमारे दिल में रहती है। दिलावर। आगा, इनका नाम नौबहार है, ये हलाकू के महल में रहती है। के महल? खातून मुझ पे इतना एहसान और कर सकती है कि एक बार मुझे नीलोफर से मिला दे? इस वक्त कुछ नहीं कह सकती, कोशिश करूंगी। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। आइए। खाने आजम जिंदाबाद। नौबहार, पता तूने अब तक क्या किया? हम किसी की नाराजगी और रजामंदी की परवाह नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो कि नीलोफर के साथ हमें जबरदस्ती करना पड़े। नीलोफर जहां अपना के कदमों में सर न झुकाएंगी तो कहां जाएंगी? लेकिन लेकिन क्या? नीलोफर के दिल को एक नहीं
कई कई गम घेरे हुए हैं। अगर उनके हाल पे मेहरबानी की जाए, तसल्ली और दिलदारी से काम लिया जाए तो बहुत जल्द आलीजा कदम भरने लगेंगी। तुम्हारी क्या राय है ख्वाजा? नौबहार औरत, वो औरत की फितरत को अच्छी तरह समझ सकती। तो क्या चाहती है? आलीजा की बलाए रद, नीलोफर के साथ शाहाना सुलूक किया जाए, उनका मकान झाड़ फानूस और कालीनों से आरास्ता कर दिया जाए, कुछ दिनों तक उन्हें बिल्कुल न छेड़ा जाए, आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल का गम दूर हो जाएगा, फिर ये लौंडी उन्हें लाकर जहां अपना के कदमों पे डाल देगी। इजाजत, आज ही नीलोफर का मकान सही दिया जाए और हमारी तरफ से उसे कीमती तोहफे दिए जाए। खाने आजम जिंदाबाद। चैन आए दिल को या फिर मौत ही आए मुझे, जो है किस्मत में वो यार जल्द मिल जाए मुझे। नौबहार, कहाँ रही तुम? कल रात की गई हुई अब आई हो? क्या हुआ, मिले वो? क्या कहा उन्होंने? खैर ये सब बताती हूँ, आइए मेरे साथ। कहाँ लिए जा रही हो मुझे? चलिए तो देखिए किस्मत ने क्या तोहफा दिया है आपको। आइए आइए। अपनी ख्वाबगाह देखिए, ख्वाबगाह की सजावट देखिए, कहिए पसंद है आपको? आग लगे इस ख्वाबगाह और इसकी सजावट को, तुम मेरी बात का जवाब दो। ओहो कितनी जगह है खाने आजम के दिल में आपकी। सक के जाइए इस हुसन के जिसकी बदौलत ये ऐशो आराम के समान हो गए। खुदा गारत करे तुझे और तेरे खाने आजम को। मक्कार, पहले हमदर्द बन के मेरे दिल का राज पूछ लिया, फिर अपनी असलियत पर आ गई। ओहो, नाराज होने के लिए तो सारा दिन पड़ा है। पहले ये बताइए कि ये ईरान का सबसे ज्यादा कीमती कालीन कहाँ बिछवाया जाए? जहन्नम में, मुझे नहीं चाहिए ये कीमती कालीन। परवेज, तुम यहाँ क्यों चले आए परवेज? यहाँ हर तरफ तुम्हारे लिए खतरा ही खतरा है। मोहब्बत की मंजिल जान पर खेल कर ही तय की जाती है। परवाना आग का दरिया पैर कर क्षमा से गले मिलने जाता है। ऐसा ना कहो परवेज, खुदा ना करे तुम परवाना बनो। सच कहती हो, परवाना क्षमा पर कुर्बान होकर मोहब्बत का नाम रोशन करता है और मैं बदनसीब इतने कोड़े खाकर भी न मर सका। परवेज, हमने कसरशीरी में मोहब्बत का एक चिराग रोशन किया, आज तुम्हारे सीने पर मोहब्बत की सैकड़ों चराग रोशन है। मुझे इनकी परस्तिश करने दो, इन पर सदके हो जाने को। मेरी नीलो, मेरी जिंदगी। नौबहार, कल से मर रहे हैं हम, कल से दम निकल रहा है हमारा। और अभी तक नहीं मरे, बड़े बेशर्म हो। देखो नौबहार, हम सचमुच मर जाएंगे शरबत पी के। मर जाओ दाई, हमारे साथ आओ। होशियार। हाले आजम जिंदाबाद। नौबहार, तू यहाँ क्या कर रही है? खातून की ख्वाबगाह सजवा रही थी आलीजा। हम भी देखेंगे नीलोफर की ख्वाबगाह। पहले खातून पसंद कर ले, फिर आलीजा मुलायजा फरमाए। नहीं, सजावट हमारी पसंद से होना चाहिए। नीलोफर, तुम्हें अपनी ख्वाबगाह पसंद आई? खाने आजम का इकबाल बुलंद हो, कनीज ने कभी ख्वाब में भी ऐसी ख्वाबगाह नहीं देखी थी। सजावट हमें भी पसंद है, लेकिन ये कालीन क्यों नहीं बिछवाया गया? बिछाओ इसे। नहीं आलीजा, इस कालीन में शेर की तस्वीर बनी है, मुझे देखकर डर लगता है। कालीन के शेर से डरती हो? सुनता ही नौजवान, ये कालीन वापस किया जाए और दूसरा कालीन मंगवाया जाए। कौन लाया था ये कालीन? अभी बुलाती हूँ। ए मजदूरों। जी सरकार। वो कालीन ले जाओ और दूसरा ले आओ। सुनताई, ख्वाबगाह शाम से पहले आरास्ता हो जानी चाहिए। जरूर हो जाएगी आलीजा। ए मजदूरों, दूसरा कालीन अभी आना चाहिए। अभी आया सरकार। यादना, बोझ उठवाना था तो दिलावर को गधा क्यों ना बनाया? अब आस्ता सीधे तो रहो। खामोश, हमारा पीछा किया जा रहा है। आजो। Thank you.
हम देखेंगे। क्या? खोलो, खोलो। चलते हैं। हम नीलोफर की शराब हुस्न के नशे को तेज करना चाहते हैं। तुम सब हमारे साथ नीलोफर का जाने सेहत पियो। खातून नीलोफर जिंदाबाद। जिंदाबाद। तुम ताई ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। खैर, उसके आने पर एक दौर और होगा। दुहाई खाने आजम की दुहाई। अर्ज करो। सुनताई नयान कत कर दिए गए। सुनताई कत्ल कर दिया गया। कातिल का अब तक कोई पता नहीं चला आलीजा। भागी ईरानी तो मुगल सरदार और कत्ल हो चुके। हम खामोश रहे लेकिन आज हमारा दाहिना हाथ काट डाला गया। अब तारा नहीं जा सकता। अशरफी और पानी सुनताई के खून की कीमत एक एक ईरानी की जिंदगी से वसूल की जाएगी। शहर में आग लगा दी जाए और जो बचकर भागना चाहे उसे कत्ल कर दिया जाए। चंगेज आजम का पोता आज चंगेजी कानून की कसम खाकर यह हद करता है कि जब तक मुरादा चलकर राख ना हो जाएगा, जब तक इस शहर का बच्चा बच्चा तबाह होकर खाक में ना मिल जाएगा, उस वक्त तक हलाकू खाना नहीं खाएगा। ये क्या किया तुमने? मुगल कानून की इतनी बड़ी कसम जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। नहीं मेरे मालिक नहीं। अगर ये प्याला खान आजम के होठों तक पहुंच जाता तो शहर की किस्मत में आग लग जाती। मेरे सरताज को इतने बड़े कत्लेआम के लिए खुदा के सामने जवाब देना पड़ता। क्या बकती हो? खुदा को हमसे सवाल करने का हक क्या है? उसकी हुकूमत आसमान पर है, जमीन का खुदा खाकान। हम इस दुनिया के मालिक, हमारा जो जी चाहे करें। बादशाह के लिए रियाया औलाद की जगह होती है। औलाद का बड़े से बड़ा कसूर भी माफ कर दिया जाता है। मैं खान आजम को अबागा की कसम देती हूँ कि रियाया को अबागा के बराबर समझे। जो खान आजम को सबसे ज्यादा प्यारा हो उसी का वास्ता देती हूँ कि ईरान पर यहाँ के अगले बादशाहों की तरह हुकूमत करे। लेकिन इस तरह सुनताई के खून का बदला कैसे होगा? इसके लिए मैं हाजिर हूँ। मुझे कत्ल कर दीजिए लेकिन बेगुनाह रियाया पर रहम कीजिए। हम तो इस खून का बदला कुछ इस तरह से लेते कि तारीख इसे भुला न सकती। लेकिन तुम्हारी कसमें हमें मजबूर किए देती। बताओ तुम क्या चाहती हो? मुगल सरदारों के कत्ल से मालूम होता है रियाया को हुकूमत से शिकायत है। उनकी शिकायतें मालूम करके उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उनकी शिकायतें हमें मालूम कैसे हों? सुना है यहाँ के बादशाह भेस बदल कर रातों को शहर के चक्कर लगाते थे। अपनी रियाया की सच्ची हालत मालूम करके उनके दुख दर्द दूर किया करते थे। खान आजम भी इसी तरह अपनी रियाया की शिकायतें दूर करके उसका दिल मुट्ठी में ले सकते हैं। अच्छी बात है। तुम लोग जाओ और आता मलिक को हमारे पास भेज दो। खुदा की राह पर कुछ मिल जाए बाबा। आज दूसरा दिन भी फाके में कट गया। अल्लाह मेरे बादशाह को सलामत रखे। खबरदार, किसको बातचीत हो? जिसने हमें अशरफी दी वो हमारे लिए बादशाह से भी बढ़कर है। और खुदा गारत करे उस बादशाह हलाकू को जिसने हमारे मुंह की रोटी भी छीन ली। जासूस करके आपने काम में कितनी तैयार हुई? बिजलियां बन गई है बिजलियां। या खुदा दिलावर की एक जान और तीन बिजलियां। फिक्र ना करो दोस्त, इस हस्ती में बिजली नहीं गिरेगी। क्या बात? जाओ जरा बुला लाऊं। मैं नहीं जाऊंगा। क्या? जाता हूं बाबा, जाता हूं। अरे बिजलियों आओ, अपनी चमक कड़क हमारे सरदारों को दिखाओ। वतन की बहादुर बेटियों, जहां मर्दों की तलवारें बेकार हो जाती हैं
वहां औरत की निगाहें काम करती हैं। इस वक्त तुम्हारे वतन को तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। शाबाश, तुम्हें हलाकू के महल तक पहुंचाना हमारा काम है और उसके होठों तक जहर का प्याला पहुंचाना तुम्हारा काम है। जी हलाकू तो एक जानवर इंसान है, इन नरम और नाजुक हाथ से तो मौत का फरिश्ता भी जहर का प्याला पी लेगा। दिलावर सरकार, दो प्यालों में पानी लाओ। ये है हलाकू की मौत, ऐसा कातिल जहर जो होंठों तक पहुंचते ही काम तमाम कर देगा। जहर तैयार हो गया है। हम ये देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह हलाकू का दिल लुभाकर उसे यह जहर पिलाती हो। साथ छोड़ो। ऐसा मालूम होता है कि इस अहाते में परियों का नाच हो रहा है, हम नाच देखेंगे। मगर अंदर जाने का रास्ता कहाँ, और मेरी राह में ऐसे अनजान मुकाम पर जाना ठीक भी नहीं। क्या मतलब, तुम हलाकों को डरपोक समझते हो? साहब करान इस वक्त सौदागर। कुछ भी हो, हम ये नाच जरूर देखेंगे। Thank you.
इसमें जहर कातिल है जो हलाकू को पिलाया जाएगा। तुम क्यों पराई कब्र में घुसे जा रहे हो? ये कौन है? हमारे गिरोह के आदमी तो नहीं मालूम होते। इनकी कलाई पर कोई निशान नहीं। इनकी कलाई भी खाली है और यहां भी मैदान साफ है। ये जासूस मालूम होते हैं। इनकी निगरानी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हलाकू पर हमारी साजिश का राज जाहिर हो जाए और बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आपका ख्याल गलत। हम वतन के गद्दार नहीं। तो फिर अपने वतन के लिए इतनी कुर्बानी दीजिए कि आज रात हमारे मेहमान रहिए। हमें मंजूर। दिलावर, इन्हें संगी बुर्ज में पहुंचा दो। आइए तशरीफ ले चलिए। आइए, खागा हाजिर है। बस अब सवेरे देखा जाएगा। बहुत शब बखैर आगा। शब बखैर। हाँ, मैं भी साथ जाऊं। लड़कियों को खैरियत के साथ घर पहुंचा दूंगा। हाँ, तुम जरूर जाओ। अच्छा, खुदा हम लोग चूहे की मौत मारे जाएंगे। खाजा ने हमें अपने बचाव के लिए कुछ करने भी नहीं दिया। बेवकूफी की बातें ना करो बलगाई। हाथ अकुल से ज्यादा काम नहीं कर सकते। मुकद्दस माँ, मेरे सरताज की मदद करना। उन्हें खानिम, दावेदार हाजिर है। वो तुम्हें मालूम है, खाने आजम सरे शाम भेस बदल कर शहर की गश्त को गए थे। अभी तक वापस नहीं आए। गैर मुल्क है। रियाया उनसे खुश नहीं। मेरा जी घबरा रहा है। खानम इत्मीनान रखी, मैं अभी कुछ सिपाही लेकर जाता हूँ। सुबह होने से पहले खाने आजम तशरीफ ले आएंगे। जाओ, आसमानी बाप तुम्हारी मदद करे। औरतों की बात मानने का यही नतीजा होता है। फिर उन्होंने शेर को पिंजरे में कैद कर रखा। खादिम ने तो पहले ही अर्ज किया था अलीजा कि ऐसे मुकाम पर जाना ठीक नहीं। हम इस कैद को अपने जोर बाजू से तोड़ देंगे। ये मौका जोर आजमाई का नहीं है अलीजा, तदबीर का है। तो अच्छा हुआ। अरे अच्छा तो हुआ ही, हमारी तकदीर खुल गई। ये पुर्जा कोतवाल तक पहुंचाना चाहिए। जलील कमीने, तू जरा से लालच के लिए वतन का सौ करना चाहता है? इधर ला, ये पुर्जा मेरा है। लेट जा चुपचाप, लेट, नहीं तो हमेशा के लिए सुला दूंगा। लेट। सवेरा हो गया, अभी तक कोई पता नहीं चला। सरदार, मैं बता रहा हूं। ये क्या है? छोड़ इसे। हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सीढ़ियां लाओ, जल्दी करो, कमान में फेंको, चारों तरफ का ख्याल रखो। खाने आजम इसी अंदर है। संगी ब्रुज के कैदियों में हलाकू भी। दरवाजा अंदर से बंद है। तोड़ लो इसे, हथौड़े ला। जल्दी, शाबाश। छोड़ दो दरवाजा। यहां ना पहली गलती थी, अब दरवाजा खोलना दूसरी गलती होगी। पकड़ो इसे। खाने आजम जिंदाबाद। होगा, इसे कत्ल कर दो। आलिशा, इसे कत्ल न किया जाए वरना साजिश की आग अंदर ही अंदर भड़कती रहेगी और फिर बुझाए न बुझेगी। कल सुबह दरबार में पेश किया जाए। गजब हो गया खातून, आगा परवेज और उनके साथी गिरफ्तार हो गए। हैं? क्यों गिरफ्तार हो गए? खान पर उनकी साजिश का राज खुल गया। कल दरबार में पेशी होगी। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं?
नौबहार, उनके साथियों में कौन कौन गिरफ्तार हुआ? आगा परवेज को तो मैंने खुद देखा, लेकिन कैदियों में कमाल और दिलावर नजर नहीं आए। अच्छा, तो अब तुम ये पता चलाओ कि रात को कैदखाने पर किस सरदार का पहरा रहेगा। बहुत खूब। और देखो जरा जल्दी आना, इसके बाद मेरा एक पैगाम कमाल तक पहुँचाना होगा। समझ गई? समझ गई सरकार। कुली नौयान, ये परवेज बागियों का सरदार और साजिश का सरगना है, बहुत होशियार रहना। तुम फिक्र न करो बलगाई नौयान, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है। खाकान जिंदाबाद। खाकान जिंदाबाद। खाकान जिंदाबाद। खाकान जिंदाबाद। बुलगाई नौयान यहाँ है? वो चले गए। तुम कौन हो और क्या काम है उनसे? मैं उनका भतीजा हूँ, अब इनको कराकरम से आया हूँ। मेरी वालदा ने अपने हाथ से उनके लिए मिठाई तैयार करके भेजी थी। देखे मिठाई कैसी है? अब पहले चाचा से मुलाकात हो जाए। अम्मा, हम भी तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारी वालदा की बनाई हुई मिठाई में हमारा भी हिस्सा है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। वाह, वतन से आई हुई मिठाई हम जरूर चखेंगे। जाओ जाओ, अभी कर दो शिकायत। नहीं नहीं नहीं, आओ आओ तुम सब आओ। निलोफर, निलोफर ना बाहर, ना बाहर। निलोफर कहाँ है? यही थी आलिया। फिर कहाँ गई? कनीज दूसरे कमरे में सोती है, खातून अपने ख्वाबगाह में अकेली आराम करती है। लेकिन इतनी रात गए कहाँ जा सकती है? भूखा निलोफर अपने ख्वाबगाह में नहीं, फौरन तलाश करो। मौत के पंजे से छूटकर कोई नहीं भाग सकता। तुम कौन हो? रोशनी लाओ। नीलोफर तुम? अच्छा, अब हम समझे। खबरदार, जो नीलोफर के जिस्म को हाथ लगाए। खामोश, भेज दो उसे इसके कैदखाने में। जाओ भूखा, नीलोफर को इसके मकान बचा दो, मस्तक पैदा कर दिया जाए। कुली नौयान, फर्ज इसी तरह अदा किया जाता है। तुम्हारी इस बेपरवाही की तुम्हें बड़ी सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे दर्जे और तुम्हारी पुरानी वफादारियों का ख्याल करके हम तुम्हें जल्लाद के हवाले नहीं करते, इज्जत की मौत देते हैं। शाही मुजरिम, बागियों का सरदार और साजिश का सरगना परवेज अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए हाजिर है। परवेज, क्या तुम्हें इससे इनकार है कि तुमने ईजाने के खिलाफ साजिश करने और सल्तनत की बुनियाद हिला देने का नाकाबले माफी जुर्म किया है? अगर किसी दूसरे के मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना जुर्म नहीं, तो ऐसे डाकू के खिलाफ साजिश करना भी जुर्म नहीं। अलीजा, इस बदतमीज की जबान काट देने का हुक्म दिया जाए। साहब कराम को मशवरा देना अदब के खिलाफ है। परवेज, तुम्हारे तीन जुर्म साजिश के जुर्म से भी ज्यादा संगीन है। तुमने ई जानब की जिंदगी पर हमला किया, शाही कैद तोड़कर भागे, और ई जानब की कनीज नीलोफर को महल से निकाल ले जाने की कोशिश की। नीलोफर का नाम इस तरह न लीजिए, वह आपकी कनीज नहीं, मेरे दिल की मलिका है। आपने मेरी महबूबा को मुझसे जुदा किया, आपने मोहब्बत पर जुल्म किया है, आपने इंसानियत पर जुल्म किया है। जुल्म का बदला लेना जुर्म नहीं हो सकता। खामोश दीवाने, तू हमसे बदला लेगा? हमारा एक इशारा तुझे हमेशा के लिए चुप कर सकता है। आलीजा, ये बात जाहिर हो गई
कि परवेज की साजिश हुकूमत से बगावत नहीं थी, मोहब्बत की मजबूरी थी। हमारी मंजूर नजर से मोहब्बत करना भी जुर्म, इसका जुर्म साबित हो चुका है। नीलोफर को हाजिर किया जाए। खान आजम, मुझे सब जुर्म कबूल है, मैं बड़ी से बड़ी सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन इल्तिजा करता हूं कि नीलोफर को भरे दरबार में न बुलाया जाए। तुम एक डाकू और लुटेरे को खान आजम कहने लगे? नीलोफर, रात के वाक्य ने हमें बहुत कुछ समझा दिया है, फिर भी हम तुम्हारा बयान सुनना चाहते हैं। तुम इस बागी के साथ क्यों भाग रही थी? बागी के साथ नहीं, बागी को साथ लेकर भाग रही थी। मैंने परवेज को कैसे रिहा किया, मैंने इनके यहाँ से निकल जाने की तदबीर की। शाही कैदी को रिहा करना कानूनी जुर्म है। मोहब्बत की दुनिया में अपने महबूब पर सख्ते हो जाने के सिवा कोई कानून नहीं। खामोश, तू हमारी कनीज होकर हमारे सामने दूसरे की मोहब्बत का इकरार करती है। जिस्म कनीजी की जंजीरों में जकड़ा जा सकता है, लेकिन दिल मोहब्बत के सिवा हर कैद से आजाद है। ऐसे दिल को सजा मिलती है, हमारे सिवा दूसरे से मोहब्बत करने की सजा कत्ल है। आलीजा, मोहब्बत अक्ल खो देती है, नादानी में होने वाले जुर्म की सजा नहीं होती। साहब ग्रान, इस वक्त नौशेरवान आदिल के तख्त पर जलवा फरोज, ये तख्त अदल व इंसाफ चाहता। चंगेजी जलाल का वारिस और नौशेरवां के तख्त का मालिक पूरा इंसाफ करेगा। हम इन लोगों की किस्मत का फैसला इन्हीं पर छोड़ते हैं। इस वक्त से सूरज गुरूब होने तक सोचने का काफी मौका है। अगर नीलोफर हमारी मलिका होना कबूल करे तो परवेज के तमाम जुर्म माफ करके उसे आजाद कर दिया जाएगा। अगर यह शर्त मंजूर ना हो तो एक सुबह से दूसरी सुबह होने तक दोनों को आजादी से एक साथ पसर करने की इजाजत होगी। लेकिन दूसरी सुबह का उजाला फैलने से पहले ही दोनों को जल्लाद की तलवार के सामने गर्दन झुका देना होगी। जानिब के इस फैसले में तरमीम और तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दो मोहब्बत करने वालों की किस्मत का फैसला सुन रही थी। फिर सुन लिया फैसला? सुन लिया खान आजम। इस फैसले में इंसाफ से ज्यादा झुंझलाहट नजर आती है। मालूम होता है खान आजम डरा धमका कर परवेज से नीलोफर को छीन लेना चाहते हैं। तुम्हारी बातों में भी सच्चाई से ज्यादा जलापा मालूम होता है। हम नीलोफर को चाहते हैं, इसलिए तुम चलने लगी हो। हरगिज नहीं, मैं जानती हूँ खान आजम के खानदान में हर शख्स कई कई बीवियां रखता है। मुझे जलन नहीं, अफसोस है कि एक बेबस लड़की जो अपना दिल किसी और को दे चुकी है, हुकूमत के बल पर एक ऐसे शख्स की बीवी बनाई जाएगी जिसे वो नहीं चाहती। खामोश। परवेज। नीलू, तुमने क्या सोचा परवेज? इसमें सोचने की क्या बात है, वो जिंदगी मौत से बदतर है जो तुम्हें खोकर मिले। हम दोनों के दरमियान तलवार की बारीक सी धार है, उसे पार करते ही नई जिंदगी मिलेगी, नई खुशी मिलेगी। तुम मेरी हो जाओगी, हमेशा के लिए मेरी। नहीं परवेज, जब जिंदगी के सूरज की आखिरी किरण भी बिजली की चमक की तरह गायब हो जाएगी तो मौत का भयानक अंधेरा होगा, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं इस अंधेरे में खो जाऊंगी और तुम मुझे भूल जाओगे। मेरी शीरी, तुम्हारे साथ गुजरने वाली एक सांस 100 बरस की जिंदगी से बेहतर, उस आने वाले एक दिन और एक रात पर हजारों साल सदके जिसमें तुम साथ हो, ऐसा वक्त जान बेच कर भी मिले तो सस्ता। जान खुदा की अमानत है परवेज, तुम उसे यूं नहीं गवा सकते। तुम कुछ भी कहो ख्वाजा, लेकिन दुनिया में जिंदगी बहुत बड़ी चीज है। हमें यकीन है कि नीलोफर हमारी दी हुई ऐशो आराम की जिंदगी की कदर करे। मोहब्बत की दुनिया दूसरी है आलीजा, जहां आराम में तकलीफ और तकलीफ में आराम। औरत मोहब्बत चाहती है और कुछ नहीं। हम नीलोफर को मोहब्बत भी देंगे, हम उसके लिए मोहब्बत की दुनिया आबाद कर देंगे। तुम्हें मेरी जान की कसम है परवेज, अपना फैसला बदल दो। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे गले पे जल्लाद की तलवार हो, मैं ये ख्याल भी नहीं कर सकती कि तुम अपने खून में तड़पते हो। इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें खुशी से हलाकू के हवाले कर दूं? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, ये भी एक कुर्बानी है।
मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, लेकिन ये सोचकर खुश होती रहूंगी कि मेरा महबूब इस दुनिया में है। मैं तुम्हारे तसव्वुर से बातें किया करूंगी, तुम्हारे दीदार की उम्मीद पे जिया कर। मुझे बातों में बहलाने की कोशिश न करो नीलोफर। अगर तुम्हें सचमुच मलिका बनने का शौक है और तुम मोहब्बत को दौलत के हाथों बेच डालना चाहती हो तो साफ साफ कह दो। नहीं नहीं परवेज, मुझ पर बदगुमानी मत करो, अपनी नीलों को बेवफा मत समझो। रहने दो ये दिखावे की बातें, हम नहीं मानते तुम्हारी दलील। परवेज नीलोफर को क्या दे सकता है? हम उसे दौलत देंगे, इज्जत देंगे, इतने बड़े मुल्क की मलिका बना देंगे, हम उसका दर्जा दोकर से भी ज्यादा बढ़ा देंगे। फरहान को क्या दे सकता था? वो मजदूर और शीरी मलिका। मोहब्बत वो खजाना है आलीजा कि जिसके सामने सारी दुनिया की दौलत मिट्टी। मोहब्बत इतनी बुलंद है कि तख्त ताज तो क्या, चांद और सूरज भी उसकी ठोकरों में आ जाते हैं। वक्त हो गया, खाने आजम को जवाब का इंतजार है। शाम हो गई, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जवाब जरूर आएगा और साहब करान खुद मुलाजा फरमा लेंगे कि नीलोफर ने जिंदगी पसंद की या मौत। हम अपनी मोहब्बत की बाजी लगाकर कहते कि नीलोफर जल्लाद की तलवार नहीं, फूलों की सेठ पसंद करेगी। भूखा क्या जवाब लाए? भूखा हमने कुछ पूछा तुमसे? आलीजा दोनों ने मौत को पसंद कर लिया। तो नीलोफर ने हमारे मुकाबले में मौत को पसंद किया। I'm not afraid.
हो गया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम इस वक्त? मैंने गलत फैसला किया था, मैं आपकी कनीज हूँ। कनीज नहीं, हम तुम्हें मलका आलम बनाएंगे, दादू तक का शरीक करेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाने आजम की माफी चाहिए। तुम्हारे लिए माफी, तुम जिसे कहो उसे माफ कर दिया जाए। परवेज को माफ कर दिया जाए अलीजा। जरूर, तुम खुद उसे माफी का हुक्म सुना। परवेज को हाजिर किया जाए। जा बना, परवेज को यहाँ ना बुलाया जाता तो अच्छा था, मैं उसका सामना करना नहीं चाहती। लेकिन हम चाहते हैं। परवेज के दिल में ये शक न रहे कि हमने उसके साथ ज़्यादती की। हम जानते थे कि तुम्हें अपना फैसला बदल देना पड़ेगा। आज तक हम कभी नहीं हारे, मोहब्बत की जंग में भी हमारी जीत हुई, परवेज हार गया। नीलू, तुम यहाँ अदब से बात करो, मलका आलिया कहो। हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम नीलूफर का आखिरी फैसला सुन लो। नीलूफर ने हमारी मलका बनना कबूल कर लिया है और हमने उसे अपने तख्त ताज का शरीक बनाना मंजूर कर लिया है। तो दौलत ने मोहब्बत को शिकस्त दे ही दी। जवाहरात की चमक ने तुझे अंधा कर दिया है, तख्त ताज के लालच में तू इस भेड़िये की हो गई। अगर हम नीलूफर से तेरी माफी का वादा ना कर चुके होते तो जमान काट देते। मेरी माफी का वादा भी ले लिया। नीलूफर, तुम मोहब्बत की लाश को रोम कर जिस रंगीन दुनिया में पहुंचना चाहती हो वो तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा। तुम फूलों की सेहत में नहीं अंगारों पर लौटोगी। मेरे यहाँ है तुम्हें नागर मर के डसती रहेंगे, जिंदगी भर तड़पती रहोगी नीलूफर, जिंदगी भर तड़पती रहोगी। क्या हुआ तुम्हें नीलूफर? कुछ नहीं आदिजा, कनीज रात भर सो नहीं सकी। जाओ आराम करो। कोई कनीज हाजिर है? खातून नीलूफर को उनकी ख्वाबगाह तक पहुंचा दो। जा जाओ जाओ।
बदलिया था। बदले में ले गया परार कोई, बदले में ले गया परार कोई, दिल का ना बनाए इतबार कोई, दिल का ना करना इतबार कोई, भूले से भी ना करना प्यार कोई। करता रहेगा इंतजार कोई, करता रहेगा इंतजार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, भूले से भी न करना प्यार कोई। रखो आगा, लेकिन ये तो बताइए कि हलाकू के पंजे से किस तरह छूटे? नीलूफर के मलिका बनने की खुशी में यह कैदी आजाद किया गया, लेकिन मैं आजाद करने वालों को जिंदगी की कैद से आजाद कर दूंगा। अब नीलूफर अपने खून की मेहंदी लगाकर ही हलाकू की दुल्हन बनेगी। हैरत है कि नीलूफर इतनी जल्द बदल गई। दौलत और हुकूमत का लालच, इसी लालच ने इंसानियत का गला घोटा है, इसी लालच ने मोहब्बत का खून किया। फिर भी बात का हर पहलू समझे बगैर कुछ कर बैठना अकलमंदी नहीं है। अब नसीहत की जरूरत नहीं, जो कुछ मुझे करना है वो करूंगा और अकेला ही करूंगा। क्या खबर थी इस तरह वो बदगुमा हो जाएंगे, उन पे सदके होके भी हम बेवफा कहलाएंगे। ये क्या है खातून, उधर खान से वादा, इधर ये हसरत भरी बातें, कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा नौबहार, न तुमने किसी को दिल दिया है, न कभी मोहब्बत में जान की बाजी लगाई। मलकाए आलम जिंदाबाद। कहीं ज्यादा बजा लाती है मलकाए आलम। तुम्हारा दर्जा आदाब करने का नहीं, तुम तो खुद मलकाए आलम बनने वाली हो। मलकाए आलम को भी कनीज से बदगुमानी है? बदगुमानी नहीं, शिकायत है। एक औरत को औरत से शिकायत है। मशरकी औरत की वफादारी पर सारी दुनिया को नाज है। तुमने परवेज से बेवफाई करके औरत की वफादारी का खून कर दिया, उसके इज्जत के दामन पर दाग ला। औरत की इज्जत का दाग नीलोफर के खून से धोया जाएगा मलकाए आलम। नीलोफर ने पक्की जान की कीमत अपनी खुशी, अपनी हसरत और अपनी इज्जत से अदा की। शहादत का दर्जा छोड़कर मैंने जिंदगी की लानत को कबूल कर लिया, सारी उम्र का जलना सुलगना मंजूर कर लिया, सिर्फ इसलिए कि परवेज पर आंच न आने पाए। मलकाए आलम औरत होकर भी एक औरत की कुर्बानी को अगर बेवफाई समझे तो उसकी किस्मत। नहीं नहीं नीलूफर, बेशक तुमने मोहब्बत के नाम पर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। लेकिन अब हर तकबीर से तुम्हें इस बेजंजीर कैद से छुड़ाऊंगी, तुम्हारी तमन्ना पूरी करने में अपनी जान लड़ा दूंगी। आओ आता मालिक, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। खादिम हाजिर। तुम्हें मानना ही पड़ेगा ख्वाजा की दुनिया में जिंदगी बहुत बड़ी चीज, तुम्हारी तमाम दलीलें रद्द हो गई और वही वजह के हमने कहा था। जानता हूँ, इंसाफ की आड़ में जुल्म किया गया। नीलूफर के सामने ऐसी शर्त रखी गई कि उसे मजबूर होकर वही कहना पड़ा जो आप चाहते थे। नीलूफर खुद हमारे पास इल्तजा लेकर आई, उसने खुशी से हमारी मलिका बनना कबूल किया। ये गलत है। नीलूफर ने परवेज की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बानी दी है। धोखा, तुम यहाँ क्यों आई? एक बेगुनाह लड़की को जुल्म का शिकार होने से बचाने के लिए। हमें कनीज को मलिका का दर्जा दे रहे, तुम इस मेहरबानी को जुल्म कहती हो? किसी को उसके महबूब से जुदा कर देना, उसके मोहब्बत के खून से अपने दिल की दुनिया को रंगीन बनाना जुल्म नहीं तो क्या है? दुनिया वालों का फर्ज है कि दुनिया के मालिक को अपनी खुशी का नजराना पेश करे।
नजराना कबूल करना अनायत है, जुल्म नहीं। दुनिया के मालिक बनने का ख्वाब देखने वालों को दुनिया ने हमेशा के लिए सुला दिया। आज कहां है वो जिन्होंने इंसानियत की लाश पर जुल्म के महल खड़े किए थे? फिरौन की खुदाई उसे दरियाए नील की मौजों में ले डूबी, सिकंदर की फतह और हुकूमत उसके साथ कब्र में दफन हो गई। खुदाली जाह के दादा चंगेज आजम जमीन के खुदा बनकर भी अपने अंजाम से डरने और घबराने लगे थे। पता मालिक, तुम इतने हद से बढ़ गए हो कि हमारे बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी करने लगे हो। आली जाह के सामने किताबें जिंदगी के वरक पलट रहा हूँ। हमें तुमसे जिंदगी का सबक नहीं पढ़ना। हमारी जिंदगी कामयाब, हमने दुनिया जीती, खुदा की खुदाई जीती, आखिर में औरत की मोहब्बत को भी फतह कर लिया। ये फतह नहीं, शिकस्त है। आप दो दिलों को रुला कर हंसना चाहते हैं, याद रखिए ये हंसी एक दिन आपको भी रुला देगी। हलाकू को रुलाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। हम हंसेंगे और हमारे साथ दुनिया हंसेगी। होगा, शहर में ऐलान करा दो कि कल हम नीलोफर को अपनी मलिका बनाएंगे, और जो इस शादी की खुशी नहीं मनाएगा वो तो सबसे पहले मुझे कत्ल कीजिए। मैं खुशी नहीं मना सकती, मेरी जिंदगी में ये शादी नहीं हो सकती। तो फिर तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दी जाए। मुझे नहीं मारिए, मैं मरूंगा जो मेरी मां करेंगी। हट जा सामने से। नहीं हटूंगा, मैं हलाकू खान का बेटा हूँ, किसी से नहीं डरता। दूसरे पर खंजर उठाना आसान, लेकिन अपने हाथ से अपना खून बहा देना मुश्किल। आसमान खुदा का, जमीन खाका की, मुल्क खाने आजम का, कल खाने आजम खातून नीलोफर को अपनी मलिका बनने की इज्जत बख्शेंगे। रियाया को हुक्म दिया जाता है कि वो खुशियां मनाए, चरागा करें। जो भी कोई इस खुशी में शरीक नहीं होगा वो कत्ल किया जाएगा। नौबहार, तुमने मेरी बहुत मदद, एक आखिरी एहसान और कर दो, जहां से भी मिले थोड़ा सा शहर ला दो। शहर? नहीं नहीं खातू, मैं किस दिल से आपके दुश्मनों के लिए जहर ला सकूंगी? जिस दिल से एक बहन अपनी बीमार बहन के लिए दवा लाती है, इनकार न करो मेरी बहन, मुझे इस जिंदगी के जहन्नम से बचा लो, मुझे परवेज की निगाहों में वफादार साबित कर दो। हकीम साहब। कौन? नौबहार, कैसे आना हुआ? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। खातून नीलूफर की तबीयत खराब है, धड़कन के दौरे पड़ रहे हैं। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है, इस उम्र में ऐसा मर्द हो जाता है। ठहरो, मैं दवा बना के देता हूं। ये लो दवा, इस दवा को गुलाब के अरक में मिलाकर दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल करें, तबीयत ठीक हो जाएगी। जी। मादब। नौबहार, तुम इतनी घबराई हुई कहां जा रही हो? मलका आलम, खातून नीलूफर की तबीयत अच्छी नहीं, मैं दवा दवा लेकर आई हूँ। मलका आलम, मलका आलम जिंदाबाद। खूब वक्त पे आए ख्वाजा, जरा मेरे साथ आइए। ले आइए। खुदा तुम्हारी मुरादें पूरी करे नौबहार, ये शहर नहीं, तुमने आप हयात लाके दिया है मुझे। दिल से एक बोझ उतर गया, लेकिन ये गम कब्र में भी पीठ न लगने देगा कि परवेज ने मुझे बेवफा समझा। हमारे बाद बदगुमानी दूर हुई भी तो क्या, मुंह छिपाए हुए हम खाक में सोते होंगे।
कौन देखेगा सितमकर का पशेमा होना। नौबहार, नीलोफर कहाँ है? हम उन्हें देखने आए हैं। मलकाए आलम तशरीफ रखे, कनीज उन्हें लेकर अब भी हाजिर होती है। मलका या आलिया तरफ लाई है खातू। मलिका, क्यों नीलोफर, कैसी तबीयत है? मलका आलम की इनायत से अच्छी हूं। तो फिर दवा क्यों मंगवाई थी? आने वाले वक्त के ख्याल से दिल घबरा रहा है, धड़कन बढ़ गई है। कुर्बानी करने वालों का दिल तो मजबूत होता है। जब दबाई हुई कि तुम्हारी नीलो तुम पर से सत्य हो गई। अच्छा, खुदा हाफिज। नीलो, नीलो, ये क्या? जहर, ये क्या किया तुमने? अब तो तुम मुझे बेवफा नहीं समझोगे। मुझे माफ कर दो नीलो, मुझे माफ कर दो नीलो। हुआ तुम आ गए, आंखों में दम हो और निगाहों के सामने तुम हो। इसके सिवा नीलोफर को क्या चाहिए? नीलो, नीलो, अकेली चली गई मेरी शी। मैं भी आता हूं, लेकिन इस तरह नहीं, तुम्हारी बेगुनाह मौत का बदला लेकर। तुम्हारी मुकद्दस रूह की कसम खाता हूं कि मैं हलाकू को मार कर मरूं। खुदा हाफिज प्रीति। ठहरो परवेज, मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो। जल्दी में किए हुए फैसले अक्सर गलत हुआ करते हैं। ये वो सोचे जिसको जिंदा रहने की तमन्ना हो। ठीक है, लेकिन तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। नीलोफर की लाश किसके सुपुर्द किए जाते हो? खुदा के। बेशक खुदा सबका मालिक, लेकिन तुम्हारा भी कुछ फर्ज है। अगर नीलोफर की आखिरी रस्म तुम अपने हाथों अदा करो तो उसकी रूह खुश होगी। जाओ कसर शीरी, जाओ, मैं जनाजा वहीं भिजवाता हूं। बहुत अच्छा, मैं नीलोफर को अपनी यादगार मोहब्बत के साय में सुलाकर फिर वापस आऊंगा और अपनी कसम पूरी करूंगा। जरूर, तुम हलाकू से जरूर बदला लेना, मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। खुदा हाफिज। एल खान जिंदाबाद। खान आजम चंगेज खान, खाकान उक्ताई खान, खान आजम के वालिद खान तुली खान के नाम पर घोड़े कुर्बान कर दिए। खूब, तो फिर अब दुल्हन बुलाओ। ये खैर खां आली जाह को शादी की मुबारकबाद पेश करता है। हम कबूल करते हैं, और दूसरी मुबारकबाद नीलोफर को। हमने आज से उसे वो तमाम मर्तबे बख्श दिए हैं जो कि दो गज के लिए थे। दुहाई, खान आजम की दुहाई। क्या है? खातून नीलोफर आप पर कुर्बान हो। क्या बकते हो? नीलोफर मर गई, ये कैसे हो सकता है? किले की दीवार के पास एक पहरेदार भी कत्ल पाया गया। मरने के बाद भी चेहरे पर वही रौनक है। शाहाना जोड़ा पहने मलिका आराम कर रही है। हमारी इतनी बड़ी हुकूमत किस काम की जबकि हम अपनी महबूबा की जान भी नहीं बचा सके। नीलोफर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी तमन्ना और तुम्हारी जवानी को खाक में मिलाने वाला परवेज के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे कातिल को ऐसी सजा दी जाएगी कि जमीन आसमान कांप उठे। भूखा आलीजा, इस कत्ल की अच्छी तरह तहकीकात की जाए। आलीजा, इससे पहले नीलोफर की रूह को आराम पहुंचाने की इजाजत दी जाए। नीलोफर की रूह को कैसे सुकून पहुंच सकता है? इंसान को अपने वतन की जमीन से ज्यादा और कोई चीज अजीज नहीं होती। नीलोफर जिस खाक से पैदा हुई
उसी की आगोश में उसे कयामत तक आराम करने की इजाजत दी जाए। अच्छी बात है, नीलोफर की लाश गुलशनाबाद में दफन की जाए, जनाजा ईरानी तरीके से उठे, इसका इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द है था मालिक। खान आजम का इकबाल बुलंद, गुलाम हाजिर है। हमें यकीन है कि नीलोफर को जहर दिया गया है। बता दे किस किस्म का जहर। आलमपना, ये जहर नहीं, एक तेज किस्म की नींद लाने वाली दवा है। अलबत्ता अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर ली जाए तो मौत भी हो सकती है। अरे शाम में ये भी वही दवा है जहां पना। तो इसका मतलब यह है कि हमें धोखा दिया गया, नीलोफर को मुर्दा बनाकर महल से बाहर ले जाने की तदबीर की गई। भूखा हम कसरे शीरी जाएंगे, घोड़ा तैयार किया जाए। चलने दीजिए मलका आलम, बच्चे की जिद में भी खुदा की मर्जी जान पड़ती है। अच्छा जाओ ख्वाजा सर बैठ जाओ। ये ख्वाजा आता मलिक का खत है, पहले इसे पढ़ लीजिए। अजीजम परवेज, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी नीलोफर जिंदा है। मलके आलम ने जहर को बेहोशी की दवा से बदलकर नीलोफर की जान बचाई है। खत के साथ दूसरी दवा भेज रहा हूँ, ये दवा नीलोफर को सुंघाओ और कुदरत खुदा का तमाशा देखो। गम के मौके पर खुशी की झलक, क्या बात है आगा? आगा कमाल, नीलोफर जिंदा है। नीलोफर जिंदा है, नीलोफर जिंदा है आगा। हाँ दिलावर, नीलोफर जिंदा है। तुम जल्दी से जाओ और दो घोड़ों का इंतजाम करके फौरन लाओ। दो नहीं चार, अभी गया और अभी आया। शाबाश। मौत कितनी रहम दिल है, दो बिछड़े मुंह को फिर से मिला दिया। वही जमीन, वही आसमान, वही कसरे शीरी। खुदा ने इस दुनिया में भी मेरी मोहब्बत की महफिल सजा दी। किस दुनिया की बातें कर रही हो नीलो? ये तो वही दुनिया है जहां हम मोहब्बत की गीत गाते थे, ये वही कसरे शीरी है जहां हम मोहब्बत के चिराग जलाते थे। तुम जिंदा हो मेरी शीरी, तुम जिंदा हो। आपको जिंदा देखकर दुनिया की मोहब्बत जिंदा हो गई है। घोड़े आ गए। घोड़े? कैसे घोड़े? आप फौरन यहाँ से रवाना हो जाइए, अरमन की सरहद बहुत करीब है, आप जल्द ही हलाकू की पहुंच से दूर हो जाएंगे। मैं एक भेड़िए के खौफ से अपना अजीज वतन छोड़ दूं? ये कैसे हो सकता है? आपने शायद ख्वाजा आता मलिक का खत पूरा नहीं पढ़ा, ये उन्हीं की राय है। कम से कम खातून को हिफाजत की जगह जरूर पहुंचा देना चाहिए। आइए मेरे साथ। जिंदगी मौत को धोखा देकर भाग जाना चाहती है। परवेज, तूने नीलोफर को महल से निकालकर हमारे कहर को दावत दी, हमें एक बार तेरी जिंदगी बख्श दी थी, हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोहब्बत करने वाले मौत को जिंदगी समझते हैं। आज किस्मत तुम्हें इस तरह मेरे सामने लाई है कि मेरे हाथ खुले हैं। मुगल कौम अपने को बहुत बहादुर समझती है, अगर तुम्हें भी बहादुरी का दावा है तो मेरा मुकाबला करो। हार और जीत का फैसला खुदा करेगा। खुदा नहीं, हार जीत का फैसला आज तक हम करते आए, और आज भी देख ले हमारी कलाई में हमारी जान से ज्यादा ताकत, इसका फैसला भी हो जाएगा। नहीं नहीं परवेज, ये बड़ा जालिम है। घबराओ नहीं नीलो, तुम्हारी मोहब्बत ने इन बाजों को लोहे का बना दिया, ये लोहे के बाजू मिट्टी के खिलौनों की तरह तोड़ दिए जाएंगे। गिरफ्तार कर लो इस मालिक को। खबरदार भूखा, इसने हमारी बहादुरी को ललकारा है, हम अकेले इसका जवाब देंगे। ये किसी बादशाह की बादशाह से जंग नहीं, हुस्न के दो परवानों की टक्कर है। मोहब्बत के मैदान में दो रकीबों की किस्मत का फैसला है, हम इसमें किसी की मदद नहीं चाहते। जो हमारे करीब आएगा Thank you.
किसी तरह साफ़त को रोकिए। केस भी माफ, आगे जाने का हुक्म नहीं है खानम। मुका। आग बुझाने की कोशिश आग को और भड़का देगी मलका आलम। वक्त के इशारे को समझिए, आपका उधर न जाना ही मुनासिब। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन परवेज पर आंच नहीं आने दूंगी। इसने हम पर एहसान किया है, अपनी जान पर खेल कर अबागा की जान बचाई है। परवेज न होता अलीजा, तो बाप के हाथ से बेटा हलाक हो जाता, माँ की गोद सुनी हो जाती, चंगेजी खानदान का चिराग गुल हो जाता और इतनी बड़ी सल्तनत का मुस्तकबिल हमेशा के लिए तारीख होकर रह जाता। परवेज, तुम एहसान करके हमारा सर झुका देना चाहते हो? हलाकू का सर आज तक कोई नहीं झुका सका। हम तुम्हारे एहसान का बदला भी और इसी वक्त देना चाहते हैं। तुम्हारी एक तमन्ना पूरी की जाएगी, बोलो क्या चाहते हो? खाने आजम वादा करते हैं, जो कुछ मांगूंगा वो मिलेगा। कॉल दिया जा चुका है। खाने आजम, कहीं मेरी तमन्ना बहुत बड़ी समझकर ठुकरा ना दी जाए। चंगेज आजम का पोता जबान नहीं बदलता, मांगो क्या मांगते हो? आजादी, ईरान की आजादी, अपने वतन की आजादी। ये क्या परवेज, तुमने नीलोफर को क्यों नहीं मांगा? वतन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं मलिक आलम, मैंने तो सिर्फ अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया है। अगर मैं आजादी या वतन को कुर्बान करके नीलोफर को हासिल कर लेता तो कयामत तक दुनिया मुझे खुदगर्द और गद्दार कहकर याद करती। लेकिन अब जब तक वतन और वतन परस्ती का नाम रहेगा, नीलोफर और परवेज की मोहब्बत जिंदा रहेगी। हलाकु बहादुर और बहादुरों की कद्र करता है, हम तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। आज से ईरान को आजाद समझो। मैं अपने वतन की तरफ से खाने आजम का शुक्रिया अदा करता हूं। ठहरो, हमने सिर्फ तुम्हारी तमन्ना पूरी की, तुम्हारी बहादुरी का इनाम अभी बाकी है। अता मलिक आलीजा, हमारी शादी का सारा सामान नील किया जाए और जब हमारी तरफ से ईरान की आजादी का परवाना दिया जाए। खान आजम जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। उसने गई नई जिंदगी, उसने गई नई।